गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं शिमला मिर्च बना रही हूँ, बनाती हूँ कई बार, लेकिन इनके लिए मुझे बनानी है आज भरवा शिमला मिर्च और आपके साथ शेयर करनी है। ये बहुत छोटा साइज में देख के लेके आई हूँ ढूंढ के, और इसमें आलू का मसाला भर के और टेस्टी मैं बनाने वाली हूँ, तो आपको भी बताती हूँ। तो चलिए मेरे साथ पूरा देखिए कैसे मैं बनाती हूँ और कैसी टेस्टी। मिर्च को अंदर से खाली कर लिया और उसमें फिल करने के लिए जो ये मैं मटेरियल बना रही हूँ इसमें डाला है। सबसे पहले मैंने रिफाइंड, उसके बाद हींग जीरा, लहसुन प्याज, आलू और टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया कुटा हुआ, और इस सब मटेरियल को हम थोड़ा सा भून लेंगे मिर्चों में फिल करने के लिए। और अभी ये जब तैयार हो जाता है फिल करके मैं आपको एक बार फिर दिखाऊँ। थोड़ा सा डालेंगे क्रश करा हुआ मसाला, पनीर, इस सबको मैश करके गरम गरम में निकाल। आलू के मसाले के साथ फिल कर लिया है, अब मैं इन्हें कढ़ाई में डालती हूँ और आपको दिखा। तो जिस कढ़ाई में हमने मसाला बनाया था उसी को ही साफ करके इसमें बस सरसों का तेल और जीरा डालेंगे और शिमला मिर्च को ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। सारे शिमला मिर्च हम एक बार ऐसे छोड़ेंगे, तो मसाले के साथ फिल करके सारी शिमला मिर्च को इस तरह से डाल देंगे और अब इसको थोड़ी देर एयर टाइट करके ढकेंगे, तब इनको पलटेंगे थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी ये स्टफिंग वाली शिमला मिर्च बनी है, अच्छी लगती है कभी कभी बनाओ तो। और मैं नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ दिखाती हूँ कौन सी बनाती हूँ, क्या उसमें डालती हूँ, सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं आई हूँ अब नीचे घूमने, आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर पेड़ है, पत्ते तो इसके कनेर जैसे लग रहे हैं लेकिन ये फूल बड़ा सुंदर लग रहा है। नाम मुझे भी नहीं पता क्या है ये, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर। मैं पास से दिखा रही हूँ आपको, बहुत सुंदर लग रहा है, रात में भी इसके पत्ते और फूल अच्छे से खिले हुए हैं, पत्ते भी खुले हैं और फूल भी खिले। और एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ग्रीन चने वाली, बहुत ही पौष्टिक है, सीजनल सब्जी है, तो मैं अभी दिखाती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ आज हरे चने की सब्जी। इसके लिए मैंने पहले रिफाइंड डाला है, थोड़ा प्याज और जीरा और आलू, इनको भून लेंगे थोड़ा सा, और ये टमाटर, अदरक, लहसुन तीनों को मैंने एक साथ पीस लिया है, और इसको डालेंगे कुकर में, भूनने देंगे थोड़ी देर। इस ग्रेवी में हमने लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला सब कुछ डाल चुके हैं। अब इसको थोड़ी देर उबलने देंगे और तब इसमें हरे चने को डालेंगे। अभी 5 मिनट इसको आंच पे भूनेंगे। ये हरे चने हैं और सब्जी बना रही हूँ, आज पहली बार बना रही हूँ इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छे से धो लिया है, बाजार में इजीली मिल जाते हैं सब्जी वाले की दुकान पे, और इसे डालेंगे मिक्सी में और उनको बारीक पीस लेंगे मिक्सी में। और ये पेस्ट बना लिया है हमने ग्रीन चने का, सब्जी में हम सब कुछ डाल चुके हैं, इसका कलर ग्रीन हो रहा है। धनिया डालने की हमें जरूरत नहीं है अभी, बाद में डाल सकते हैं आप इसमें हरा धनिया। और ग्रेवी आप चाहें तो इसको ऐसा भी रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा पतला खाते हैं, तो मैं इसमें पानी और डालूंगी और इसमें लगवाऊंगी 2 सीटी, और कैसी बनती है टेस्ट करके आपको बताती हूँ। मेरी सब्जी बन गई है और इसमें चने आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि मैंने बिल्कुल बारीक पीस दिए हैं ग्रेवी जैसा बना के, और बस आलू दिख रहे हैं। इसे बना कर देखिए एक बार, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही टेस्टी मेरी सब्जी बनी है, बहुत पौष्टिक होती है हरे चने वाली सब्जी। चने की सब्जी तो वैसे भी पौष्टिक होती है लेकिन हरे चने की कुछ ज़्यादा पौष्टिक होती है, तो वो बना कर देखिए। सीजनल है ये, अभी आपको बाज़ार में बड़े आराम से मिल जाएंगे। और इससे आगे बना रही हूँ मैं अपनी बहुत ही सिंपल मूँग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि कभी कभी रोटी खा खा के बोर हो जाते हैं, तो बना रही हूँ खिचड़ी और कैसी बनी है आपको दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनी है, ये देखिए पतली एकदम। इसमें 2 हिस्से मूंग की दाल और 1 हिस्सा चावल, थोड़ा सा दलिया डाल के बनाई है, और उसमें 1 कटोरी में 7 कटोरी मैंने पानी डाला है।
तो बहुत ही टेस्टी मेरी खिचड़ी। और चलते हैं नीचे घूमने, दिखाती हूँ आपको कुछ नया हुआ तो, और करते हैं ब्लॉग का एंड। पूरे ग्राउंड पे येलो येलो फूल है सारे में, मैं दिखाती हूँ आपको। ये फूल सीजनल हैं सब, क्योंकि 2-3 महीने चलते हैं, होली के बाद बिल्कुल सूख जाएंगे। 2-3 महीने ही चलते हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं अभी तो, और थोड़े दिन में जब सूख जाएंगे एक बार मैं फिर आपको दिखाऊंगी। मैं ले चल रही हूँ आपको पार्क की तरफ से, 2-4 चक्कर लगाऊंगी और आपको दिखाती हूँ बच्चे कितने हैं कितने नहीं हैं। अभी ठंड में बहुत कम ही लोग खेलते हैं, खेल रहे हैं बच्चे, देखिए बहुत ज़्यादा ठंडम नहीं रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है, पार्क खाली पड़ा हुआ है। मैं ले चल रही हूँ आपको पार्क की तरफ से, 2-4 चक्कर लगाऊंगी और आपको दिखाती हूँ बच्चे कितने हैं कितने नहीं हैं। अभी ठंड में बहुत कम ही लोग खेलते हैं, खेल रहे हैं बच्चे, देखिए बहुत ज़्यादा ठंडम नहीं रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है, पार्क खाली पड़ा हुआ है। तो आज मैं बहुत दिनों में आई हूँ, लाइट को धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है, पता नहीं ऐसी डिम हो गई है या मेरे को ही लग रही है। तो पार्क की तरफ से निकल के अब मैं जा रही हूँ अपने घूमने के रूट पर, जहाँ मैं अक्सर चक्कर लगाती हूँ रोज, और कल फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए ब्लॉग में। बाय।